मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने अपने एमडीए के सहयोगियों से समर्थन की अपील करते हुए कहा है कि ज्यादातर गठबंधन पार्टियां दक्षिण तुरा उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं। एमडीए की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संगमा ने कहा कि कुछ स्थानीय नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चर्चा में व्यस्त है। रानीकोट उपचुनाव के बारे में पूछे जाने पर जहां एमडीए की गठबंधन पार्टियां पीडीएफ और यूडीपी भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा वे पार्टी के निर्णय में अड़चन नहीं डालेंगे क्योंकि हर पार्टी चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। William Magad NCP had contested and NPP candidate was there, but it did not affect the overall coalition and the governance and the government here, the MD government at the state level. So therefore, it is natural for all political parties to look at the interests of their own parties. But at the end of the day, we will not allow that to affect the coalition and the government. We have decided not to field a candidate, and I have sent that suggestion to our central leadership. By tomorrow, I'll get the clarification from our central leadership. I hope that they'll give me a direction not to contest. We'll support the MDA Chief Minister candidate. बुधवार की रात एक भव्य कार्यक्रम में मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन ने इंडिपेंडेंस डे कप ट्रॉफी लॉन्च किया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर जे लाल पेखलुआ ने ट्रॉफी लॉन्च करते हुए कहा कि उनका पहला प्रमुख टूर्नामेंट वर्ष 2008 में इंडिपेंडेंस डे कप ट्रॉफी से ही शुरू हुआ था और उन्हें आशा है कि यह टूर्नामेंट राष्ट्रीय टीम के लिए कई फुटबॉल खिलाड़ी तैयार करेगा। 27 जुलाई से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। जीतने वाले को 1,00,000 का नकद इनाम और एक ट्रॉफी मिलेगा। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 15 अगस्त को आइजोल के असम राइफल्स ग्राउंड में खेला जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने सीपीआईएम नित पूर्व सरकार पर ड्रग्स की तस्करी के जरिए बांग्लादेश के युवाओं को नष्ट करने का आरोप लगाया है। इधर देव के आरोप को नकारते हुए सीपीएम ने इसे बेबुनियाद बताया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने हज यात्रियों के लिए नवनिर्मित हज भवन का उद्घाटन किया। पूर्व की वामपंथी सरकार ने इस हज भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और इसी के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री देव ने पूर्व मुख्यमंत्री पर यह संगीन आरोप लगाया। प्रधानमंत्री प्रशंसा लोक দেখানোর জন্য আরেকদিকে সেই দেশকে বিনাশ করার জন্য বর্ডার ক্রস করে ফেন্সিডেল পাঠিয়ে তার জেনারেশন সমস্ত মুসলিম ভাইদেরকে বিনাশ করার ব্যবস্থা করেছিল। এই হচ্ছে তাদের আসলি চেহারা। দি বর্ডার ইট ইজ টোটালি কন্ট্রোলড বাই দি বিএসএফ এন্ড ড্রাগস এন্ড আদার অল দিস থিংস আর কন্ট্রোলড বাই দি নারকোটিক এজেন্সি ইট ইজ অলসো আন্ডার দি central government. Though state police has a role beyond the border. Earlier, lot of fentanyl, lot of ganja, it was taken up by the earlier left front government. देश के बाकी हिस्सों के साथ ही नागालैंड के फेजा गांव स्थित कैप्टन लेफ्टिनेंट निये के झाकुओ कैंगरूज महावीर चक्र मेमोरियल में भी कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मेजर जनरल पीसी नायर, वाईएसएम, आईजीएआरएन और मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह में मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने कहा, देशवासियों और अपने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को याद करने का यह एक विशेष अवसर है। स्वर्गीय कप्तान नई के झाकू कैंगरूज की बहादुरी की मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय कप्तान कैंगरूज की याद में फैजा गांव में एक आर्मी पब्लिक स्कूल स्थापित करने का रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। And they both took part in the operation that night. So this officer is the son of that Nayak, and he'll be coming here very soon.
with a team of 3 or 4 people who also took part in the operation that fateful night.